नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कमकुहीराज कुशीनगर पुलिस के मानवीय संवेदना के कारण अपहत बालक घटना के 7 घंटे के अंदर बरामद। अपहत बालक को पाकर खिल उठा माँ का चेहरा। बालक के परिजन सहित स्थानीय लोगों द्वारा मिशन बरामदगी में लगे पुलिस कर्मियों को दिया गया धन्यवाद। जी हां, आपको बताते चलें कि सेवरही थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सेवरही निवासी विनय कुमार गुप्ता की सगी बहन ज्ञान्ति देवी पत्नी विजय कुमार गुप्ता अपने भाई के घर रहकर अपना जीवन यापन करती है। दिनांक 9 मार्च 2021 को ज्ञान्ति देवी को प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सूचना दिया गया कि तुम्हारे पुत्र को 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति सुगर मिल सेवरही के मुख्य द्वार से कहीं लेकर चले गए। बालक के माता सहित परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किया गया। थक हार कर किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर ज्ञान्ति देवी द्वारा अपने पुत्र अवनीश कुमार उम्र 8 वर्ष के अपहरण की सूचना स्थानीय पुलिस चौकी सेवरही के चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम राव को दिया गया। मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम राव तत्काल अपने 2 सिपाहियों क्रमशः कांस्टेबल रोशन त्रिपाठी और गुरु प्रसाद यादव को मिशन बरामदगी में लगा दिया गया। उक्त दोनों सिपाहियों के अथक प्रयास से अपहत बालक को मात्र 7 घंटे की अवधि में जनपद के ही विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ओझवलिया बंगाली पट्टी से बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। बरामद बाइक अवनीश कुमार की सेवरही थाना परिसर में लाकर अपने कलेजे की लाल के इंतजार में खड़ी मां ज्ञान्ति देवी को सुपुर्द करते हुए माँ और पुत्र को खाना खिलाकर थाने से साकुशल घर भिजवाया गया। पुलिस के उक्त सराहनीय कार्य को देख उपस्थित लोग भूर भूर प्रशंसा कर रहे थे। वहीं बालक के मां सहित परिजन चौकी प्रभारी सेवरही पुरुषोत्तम राव, कांस्टेबल रोशन त्रिपाठी और गुरु प्रसाद यादव को ढेर सारी दुआएं, आशीर्वाद एवं धन्यवाद देते हुए देखे गए।